वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द कंबस्शन एंड फ्लेम। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि अगर फ्यूल कंबस्ट करता है तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, द हार्मफुल इफेक्ट ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द फ्यूल। तो फ्यूल अगर कंबस्ट कर रहा है तो उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं, उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो स्टूडेंट्स आज हम इसका डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर कार्बन फ्यूल को अगर कंबस्ट करा जाए या वुड कोल पार्टिकल मतलब कोल पेट्रोलियम, तो इनमें से अगर कोई भी चीज अगर कंबस्ट करवाई जाती है, अगर आप लकड़ी को जलाएं, कोयले को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आप जलाते हैं, तो फ्रेंड्स ये सभी प्रोडक्ट जो है कार्बन प्रोडक्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कार्बन कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो कार्बन के अवेलेबल होने की वजह से तो फ्रेंड्स अगर ये फ्यूल अनबर्नड रह जाता है, पूरी तरह से अगर जलता नहीं है, तो वहां पर बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल जो है एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। और वो जो हार्मफुल पार्टिकल जो है, अगर देखिए ये जो फ्यूल्स अगर कंबस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर अनबर्नली कंबस्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से नहीं जल रहे हैं, तो देखिए वो कुछ गैसेस रिलीज करेंगे। वो गैसेस कहाँ जाएंगी, सब जो है एटमॉस्फेयर में फैलेंगी। और एटमॉस्फेयर में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं, मतलब हम सांस लेते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स जो फैल गए हैं एटमॉस्फेयर में, तो फ्रेंड्स जब हम सांस लेंगे तो पार्टिकल जो है ऑक्सीजन हमें बेसिकली जरूरत किसकी है, ऑक्सीजन की जरूरत है ना, तो उसके साथ जो है वो अदर पार्टिकल्स भी हमारी नोस्ट्रिल से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, जिससे हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है फ्रेंड्स, जिससे एक खतरनाक बीमारी जो है अस्थमा अपना रूप ले लेती है। ठीक है, तो इससे सबसे हार्मफुल इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट जो है हम याद रख सकते हैं कि फ्रेंड्स ये जो कार्बन फ्यूल्स जो होते हैं, वुड, कोल, पेट्रोलियम, अगर ये जो है रिलीज तो करते हैं, अनबर्न कार्बन जो है रिलीज करते ही करते हैं, तो स्टूडेंट्स अनबर्न कार्बन जो रिलीज करते हैं वो बहुत खतरनाक पार्टिकल्स होते हैं, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर देते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, जिससे अस्थमा की बीमारी जो है हो जाती है, सांस की बीमारी जिसे हम कहते हैं वो हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। सेकेंड पॉइंट में आ जाइए, प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फ्रेंड्स जो कार्बन के जो फ्यूल्स हैं, ठीक है, जो फ्यूल पर्टिकुलर कार्बन के रहते हैं, तो उसमें एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, अगर वो गैस वहां से रिलीज हो रही है तो स्टूडेंट्स वो एक पॉइजनस गैस है। ठीक है, अगर बंद कमरे में मान लो कि ये गैस अगर इकट्ठी हो जाए और हम जला रहे हैं किसी चीज को, और बंद रूम के अंदर जो है ये गैस बहुत सारी इकट्ठी होती है, स्टूडेंट्स इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इतनी खतरनाक गैस है ये, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये कार्बन के जो फ्यूल्स हैं उन्हीं को कंबस्ट करने से ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस मतलब जहरीली गैस है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो CO इज अ सिंबल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। तो स्टूडेंट्स ज्यादातर जो फ्यूल जो है कंबस्ट जब किए जाते हैं तो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा होगी गर्मी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, जो गैस हम रिलीज करते हैं, ठीक है, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमोसफियर में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन जब हम ये कार्बन पार्टिकल्स को जलाते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिससे ग्लोबल पर वार्मिंग बढ़ जाता है। वार्मिंग मतलब गर्म हो जाती है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कंबस्शन ऑफ फ्यूल। ठीक है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंसंट्रेशन किसका, हमारे एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन किसका बढ़ गया, देखो मैंने एरो का साइन ऊपर किया है, मतलब बढ़ गया क्या, कंसंट्रेशन को CONC में लिख दिया, कंसंट्रेशन जो है किसका बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से निकलती है, जब भी किसी फ्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होता है CO2, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको हायर क्लास में भी आपको बताए जाएंगे, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए एनवायरमेंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा बढ़ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है गर्मी के लिए, तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल पर वार्मिंग बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस कहाँ से निकलती है, जब फ्यूल को जलाया जाता है, जब भी कोई ईंधन जलता है तो ज्यादातर वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद अगर बात करें बर्निंग ऑफ कोल डीजल प्रोडक्ट, तो स्टूडेंट्स जो गाड़ियां, जो हमारी गाड़ी बाइक जो रनिंग में रहता है, पेट्रोल डीजल जो चलता है, तो स्टूडेंट्स उसके साइलेंसर जो आपने देखा होगा, साइलेंसर से जो है स्मोक, धुआं जो निकलता है वो भी बहुत हार्मफुल होता है। उसमें बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड,
उसमें बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो है वहाँ से निकलते हैं, ठीक है। अब सल्फर के और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो एनवायरमेंट में फैल जाते हैं। अब वो जितने ज़्यादा एनवायरमेंट में फैलेंगे उतनी दिक्कत होगी। दिक्कत कैसे होगी समझ लीजिए स्टूडेंट्स। तो देखिए वो देखो सबसे पहले तो बात ये समझो कि पेट्रोल या डीजल से चलने वाले जितने भी हमारे जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, बसें हैं, ट्रक हैं, डीजल से जो चलती हैं, तो स्टूडेंट्स जब वो प्रोड्यूस करते हैं स्मोक, उसमें से जो है गैसेस रिलीज करते हैं, उसमें से सलाइन से आपने देखा होगा। तो स्टूडेंट्स वो जो है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है बेसिकली वहाँ से निकलते हैं, और ये जो ऑक्साइड होते हैं इनका नेचर होता है एसिडिक, ठीक है। एसिड बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है, तो इनका नेचर जो है एसिडिक रहता है, ठीक है। तो एसिडिक नेचर जो है हमारे एटमोसफेयर में फैल जाएगा। जब बारिश आती है तो बारिश जो है बिल्कुल साफ सुथरा पानी जो है जैसे नीचे आएगा तो बीच में एटमोसफेयर में प्रेजेंट जो है सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है एसिडिक हो जाता है। रेन का जो वाटर है जो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, उसको हम एसिड रेन कहते हैं। तो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है, जिससे जो है बिल्डिंगें जो आपने देखा होगा कि जो पुरानी इमारतें वो काली पड़ गई हैं, ठीक है, ब्लैक हो जाती हैं, और फसलों को भी काफ़ी नुकसान होता है। तो हमारे सराउंडिंग बहुत सारे नुकसान हम देख सकते हैं कि जो एसिड रेन की वजह से होते हैं। तो एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कम्बशन ऑफ फ्यूल। तो फ्रेंड्स इसीलिए आज के टाइम जो है डीजल वगैरह को कम करके, पेट्रोल वगैरह को कम यूज़ करके, उसकी जगह पर सीएनजी जो है वो यूज़ की जा रही है। तो सीएनजी क्लीन फ्यूल है, उससे पोल्यूशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये बातें समझ में आ रही होंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ये लेसन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो कंटिन्यू करके उसे लर्न करने हैं। तो यहाँ तक आपका लेसन ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए।